लिया। बारी है उस सत्ता का पत्ता की जो कि वाराणसी उत्तर विधानसभा सीट पर किसी उम्मीदवार की जीत और हार तय करता आया है। वाराणसी उत्तर विधानसभा सीट का ये सत्ता का पत्ता है वो विकास, जिसकी बदौलत बीजेपी 2017 में इस मुस्लिम बाहुल्य सीट पर कब्जा करने में कामयाब रही थी। और चलिए अब फिर से रुक करते हैं पूर्वांचल के जानकार वरिष्ठ पत्रकार अरुण मिश्रा जी का। तो सर, वाराणसी उत्तर सीट का सत्ता का पत्ता विकास भी दिखाई दे रहा, आपने जिक्र भी किया है जो कि पैमाना भी है, लेकिन दूसरे ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो हावी रह सकते हैं? देखिए, वहाँ का जो भौगोलिक स्थिति है, बवड़ा पार का इलाका, बवड़ा नदी है उसके पार का इलाका है जी। वहाँ बहुत ज्यादा पहले मुस्लिमों की एक आबादी हुआ करती थी, जो परसीमन के बाद वो शहर दक्षिणी विधानसभा क्षेत्र में चली गई। तो लिहाजा ऐसी स्थिति में एक बड़ा फैक्टर ये रहा है कि यहाँ जो है हिंदू जो मतदाता है वो कहीं ज्यादा है जी। और नई कॉलोनियां इस इलाके में, नई कॉलोनियां बसी, जैसे आप वहाँ सारनाथ से लेकर के रिंग रोड के इलाके के आसपास बहुत सारी कॉलोनियां बसी हैं जो बीजेपी के पक्षधर रही हैं जी। इसलिए लगातार दो बार चुनाव बीजेपी यहाँ से लगातार दूसरी बार चुनाव जीती। मुझे उम्मीद है क्योंकि आने वाले दिनों में बनारस में जो डेवलपमेंट काम हुए, जो मूलभूत समस्या इस इलाके की थी, सीवर का था, सड़क का था या बिजली का था, पेयजल का था, उसमें बहुत काम हुआ है प्रधानमंत्री के नेतृत्व में। तो अब इस बार भी जो चुनाव है, मोदी फैक्टर बहुत बड़ा काम करने जा रहा है, खासकर ये बनारस के जो तीनों शहरी क्षेत्र हैं उत्तरी, उसमें शामिल है। सत्ता का पत्ता की जो कि लंबे अरसे से विधानसभा चुनाव में मनकापुर सीट पर किसी उम्मीदवार की जीत और हार तय करता आया है, ये सत्ता का पत्ता है वो ब्राह्मण वोटर जिनकी तादाद इस सीट पर सबसे ज्यादा है। इस सीट पर तकरीबन 93,000 ब्राह्मण वोटर है जो की चुनाव के दौरान सबसे अहम हो जाते हैं। फिर से रुक करते हैं अवध क्षेत्र के जानकार वरिष्ठ पत्रकार महेश शर्मा जी का। तो सर, गोंडा की मनकापुर सीट पर सत्ता का पत्ता ब्राह्मण वोटर ही दिखाई देता है, जिसका आप जिक्र भी कर रहे थे ब्रेक से पहले, और क्या कुछ फैक्टर होगा और ब्राह्मणों के मिजाज को लेकर अभी क्या देख पा रहे हैं आप? देखिए, पूर्वांचल पर बीजेपी का पूरा फोकस है और बीजेपी धर्म और विकास रथ पर सवार होकर के चुनाव लड़ रही है, लेकिन मनकापुर को दोनों में ही कोई लाभ नहीं मिला। यहाँ पर एक ITI फैक्ट्री स्थापित की गई थी जिसमें लगभग 75% लोग अनएम्प्लॉयड हो गए हैं, और एक चीनी मिल लगाई गई थी उसका भी बुरा हाल है, और यहाँ के जो लोग हैं बहुत, मतलब लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास के लोग हैं या लोअर क्लास के लोग हैं, तो वो कामगार कह लीजिए आप उनको, तो वो उन्हें काम के सिलसिले में पलायन करना पड़ रहा है, दूसरे जिलों को या दूसरे राज्यों को वो लोग मुख कर रहे हैं ताकि उनको उनकी रोजी रोटी, उनके परिवार चल सके। तो ये तमाम ऐसी समस्याएं हैं, मनकापुर पिछड़ा का पिछड़ा ही रहा और इसके विकास की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। और ये पिछड़ापन कहीं ना कहीं लोगों के भीतर की टीस है वो इस बार के चुनाव में भी झलक सकती है।